नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में जमकर तबाही देखने को मिली है। कहां पर यह हादसा हुआ है, वहीं लोगों में दहशत भी फैल गया है। पूरी खबर आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में मणिमहेश यात्रा के रास्ते पर लैंडस्लाइड, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी, चारों तरफ धूल का गुबार, वीडियो सामने आया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश के रास्ते पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से गिरी, गनीमत रही कि जान व माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरमौर पुलिस के अनुसार मणिमहेश के रास्ते पर दुनाड़ी और गोई के बीच पहाड़ी दरक गई। राहत की बात यह है कि मणिमहेश की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई। इस यात्रा के दौरान हजारों शिव भक्त मणिमहेश पहुँचते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है वो पिछले साल भी लैंडस्लाइड हुआ था। इस कारण मणिमहेश जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। बाद में लोक निर्माण विभाग ने नया रास्ता तैयार किया, तब जाकर यात्रा करवाई गई। अब यात्रा शुरू होने से करीब 1.5 महीने पहले यहां फिर लैंडस्लाइड हुआ। बता दें, इस बार मणिमहेश यात्रा 26 अगस्त से 13 सितम्बर तक चलेगी। इसके लिए पूरे देश भर से शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मणिमहेश की यात्रा खतरनाक पड़ाव से होकर पूरी करनी पड़ती है। प्रशासन ने अभी मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा रखी है, फिर भी कुछ शिव भक्त मणिमहेश पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने शिव भक्तों से अपील की है कि जब आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू होगी उस दौरान ही मणिमहेश के लिए आएँ। अभी बर्फ़ पिघलने और लैंडस्लाइड के कारण जोखिम बना हुआ है। तो प्रमुख रूप से ये रही बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश के रास्ते पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।